बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद न्यूज़ वन स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं पाइक नवाज़। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़। मर्दान मौजूदा हुकूमत ने मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के दौर में होने वाले बड़े प्रोजेक्टों को मुर्दा करके मर्दान अवाम के हुकूक पर डाका डाला है। पाबंदियों के बावजूद मकामी नुमाइंदों ने हिल समेत कई इदारों में भर्तियाँ की। आयस व मंशियात से पाक मर्दान मिशन है सहाफियों की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। मेयर सिटी मर्दान का प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज़ मेयर सिटी मर्दान हिमायतुल्लाह मायार ने मर्दान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मर्दान काबीना को मुबारकबाद के मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मर्दान अवाम को महरूमियों के बनौर में धकेल दिया है। इन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी के दौर हुकूमत ने मर्दान में बड़े अस्पतालों व तदरीसी जामियात के अलावा कई बड़ी तरक्याती मंसूबों की शुरुआत की थी, जिनको मौजूदा हुकूमत ने मुर्दा पोजीशन पर लाकर तबाही के दहाने पर ला खड़े किए हैं, जो मर्दान अवाम के साथ यहाँ के मकामी हुकूमतों मेंबरान का नाम है। मर्दान काटलंग में PPP की बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद अहम इजलास मोहम्मद अजीज बाचा के हुजरे पर तलब की गई थी। मर्दान से मुराद अली सरकानी की रिपोर्ट। बल्दियाती टाकनों के द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तहसीली काटलंग के द नाकामी नफस खुम मोहम्मद अजीज बाचा अखपल सरगर्मी वारे ब्याह शुरू कर दी और दगिलवी मिसाल खपली हजरेता द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनानों पर कच्छ जिली और तहसील मशरानों अहम इजलास राबलू छिपा दगा इजलास के द पीपल्स पार्टी गढ़ पेर जियालो और मशरानों गड़ून खड़े हो पदे मौका मोहम्मद अजीज बाचा साबिका मेयर उम्मीदवार तहसीली काटलंग जवाद खान बाईजई साबिका सूबाई उम्मीदवार नईम खान यूसफजई वलायत शाह बाचा जमील एडवोकेट रेपात शाह और नूर गणों मशरानों इजलास दौरान दखलो ख्यालातो इजहार उखड़ो बल्दियाती टाकनों की शवि गलतियाने बा इस कलबिया नश दोहरा वाले आइंदा बा द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द परमख्तक द पारा कोशिशुना कवलेशी पदे मौका दगे मशरानों मीडिया सरा पखपल खबरातरों के सदारंग उवायल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासो दरातलो मलको डेर मेहरबानी शुक्रिया। तासो पति लंड तंग वक्त राले कोई मामूली को निकाल बंद राले सास शुक्रिया अदा कूँ। बाकी मलगिर शिव डेर मेहरबानी की मलगिर में रालो माँ शुक्रिया अदा कौला मलगुर शुक्रिया अदा कौला। बाकी तासो पार्टी खबर कवे इन शाला पार्टी बजी के खेरी तो अलग शान मेहनत गवाड़ी कार गवाड़ी और कार वकी इन मलगिर टोल पर शबक की दी और टोल मीना की दी। बाकी इलेक्शन आर जीत खुश हो मुंग इलेक्शन बोल जो ये खुजने माँ की डेली कमाई हुई गलती भी रहा बाकी माँ दाखिल गलत हो रहा है जो रखा जाए इलेक्शन बोल इन शाला माला कर दिया बोलते आपको गलती दुरुस्त कमा दरिंदर वोट मुंगा अगस्त इन शाला दबा डेढ़ दरस वोट डेढ़ इन शाला रजनी के गठा बजे मुंगे खेरी। लंग प्रेस क्लब दा टोल नंबर करो देर मशकूर चेज मंगा दा दा खुद एहतसाबी मीटिंग जंग चेकम दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देला डाला डेर ज्यादा मनाना कमे पोर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एवडेर लो या पार्टी दा यकीनन मंग हो यकीनन दा चे द जन इलेक्शन पर तैयारो क्यों आगे द पदंग तंजीम साजे रवान भी और अचानक पके इलेक्शन ऐलान उस लोकल बॉडी अब इलेक्शन की गो न की गो न की गई पाखिर के ब्याह पैसा लो पल्लस पिंजल लसर देखे द तंजीमुंद रागोंडावल द जोड़ावल द डे ग्रान कारो अब इन शाला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेर लोया पार्टी दा जमंग पा टोल यूनियन कौंसिल के खफाल मरगरी दी दन ता सोली दिल आओ कमी कमजोरे कोतावे अगम ता सम खामोश वेले कि द वीसी पस्त जम कम ते जमुन अगन निमगलु औ बलदा दा लोकल बॉडीज इलेक्शन पदे के मामा खरे काका द चम गावन वोट दा नो पदे के द पार्टी अमल द खल देर कम ता सो कतल चे एनपी पोजीशन ता सो कतल चे दागी यो बल सर पयो वीसी के सदर द सलो सरो मरगरी उलार दा सी द जमीतुल इस्लाम दा जे पीटीआई दा द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम द हालत ते नो जमुद्री का टोकवा जगह से ड्री घाट मैंडेट है सेवा में और पलाका बांधे डेर खल को मीने माने वोट वर्क करे दे और अगुई दा गुख्तम चेहरा पी टी ए कराने ने तंग शू नो टूल खल को दा गुख्ता चेहरा मुंगा उलमा इस्लाम रावलू और दलते मुफ्ती से मुंग वोट वर्क नो दे जमुंग निजात हिंद जोड़ी नो जमुंगा ड्री घाट तो इन शाला और दा जमुंगा दूसरा दवाम दा चे दुई दवा मुझे कम तोकवा थी बागवानी पूरा पूरा की बल्कि जी डेर ज्यादा डिलीवर की द बल्दियाती टाकनो नापस बा आम इंतहाबात हम कवलेशी ल दगे वजे बल्दियाती टाकनों के हर ये पार्टी सर तोड़ कोशिशु न उकड़ल गुरु बा चिप आम इंतहाबातों के बा कम पार्टी द इख्तदार कुर्सी तरसी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहे आज़ाद वन न्यूज़।
We'll be right back.